राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर टिकटों की सूची फाइनल करवाने के लिए दिल्ली बैठे सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सियासी गलियारों में चल रहे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। प्रदेश में चौथी बार सीएम बनने के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा कि मैं सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यह पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ तो कारण होगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद मुझे बार बार सीएम बना रहे हैं। राजस्थान में उनकी सरकार से बगावत करने वाले सचिन पायलट और उनके विधायकों को टिकट दिए जाने के सवाल पर अशोक गहलोत बोले कि अभी सिर्फ जीत ही क्राइटेरिया है, बाकी सब हम भूल चुके हैं। उनके साथ जो गए थे उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं, एक भी टिकट पर मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि मैं गहलोत से बड़ा ईमानदार हूं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि मोदी से बड़ा फकीर हूं। जिंदगी में एक इंच जमीन नहीं खरीदी, सोना नहीं खरीदा, इसलिए मोदी को बड़ा दावा नहीं करना चाहिए। वसुंधरा राजे पर बोलते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे कारण उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरी सरकार गिर रही थी तो उनके नेता कैलाश मेघवाल ने एक किस्सा बताया था, वह मैंने किसी सभा में कह दिया, उसे लेकर वसुंधरा राजे को निशाना बनाया गया है।